दोस्तों आईपीएल 2024 में एक से बढ़कर एक रोमांच का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर की टीम है वह धीरे धीरे हारना स्टार्ट हो गई है और जो नीचे की टीम है उन्होंने बड़ा दमखम लगाया है, चाहे आरसीबी हो या पंजाब की टीम हो। लेकिन अब ऐसे में जो केकेआर की टीम है जिसने बड़ा शानदार खेल दिखाया है और 9 मैचों में से 6 मैच जीतकर नंबर 2 पे है, लेकिन जो सामने टीम है वह मुंबई इंडियंस। अब इन दोनों का ही मैच होने वाला है और यह मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और बात करें इस मुकाबले की तो मुंबई वह टीम है जिसने 10 मैच खेले है, सिर्फ 3 में जीत मिली है और 7 मैच हारे है। अब इनके लिए खास लड़ाई है, लेकिन केकेआर के लिए लड़ाई ये नहीं है कि टॉप 4 में जाना है, बल्कि केकेआर के लिए लड़ाई ये है कि हमें नंबर 1 या नंबर 2 पे फिनिश करना है। तो ऐसे में केकेआर का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो मुंबई का पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकता है, और पिच क्या कहता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का, वो भी हम आपको बताएंगे। और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, केकेआर आगे है या फिर मुंबई इंडियंस आगे है, उस पे भी बात करेंगे। और मुंबई का मौसम का हाल क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर खबर आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। उनकी बात करें तो अब तक उन्होंने 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से सिर्फ 3 में जीत हासिल की है और 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। अब इस मुकाबले में देखना पड़ेगा कि टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, और जो बॉलिंग है वह कहीं ना कहीं उस रंग में नजर नहीं आई है। बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उनका इकोनॉमी देखेंगे तो 7 के नीचे का है, लेकिन जो बाकी गेंदबाज है उन्होंने बड़े रन उठाए हैं, चाहे उसमें गोराल्ड कोएतजी हो या फिर गेंदबाज पीयूष चावला ही क्यों ना हो, स्पिन गेंदबाज या फिर हार्दिक पांड्या, 10 मैचों में सिर्फ 6 विकेट लिए हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मुंबई ने पावर प्ले में बड़े विकेट खो देते हैं। अगर आप देखेंगे तो कई बार 40 पे 3 हो जाते हैं तो कभी 50 पे 3 हो जाते हैं। तो पावर प्ले में इस टीम को बड़ा बिंदास क्रिकेट खेलना होगा। तो ऐसे में अब मुंबई की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे नजर डाले तो ईशान किशन विकेट कीपर होंगे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जो इस टीम के कप्तान है, निहाल बढ़ेरा, टीम डेविड, मोहम्मद नबी, गोराल कोएतजी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह। आपने जो प्लेइंग 11 देखी उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि टीम डेविड और तिलक वर्मा नीचे से आकर रन बना रहे हैं, और तिलक वर्मा लीडिंग रन स्कोरर है मुंबई इंडियंस की तरफ से। अगर देखा जाए तो रोहित का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं है, लेकिन तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अब जो नंबर 4, 5, 6 पे आता है उस बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन रोहित और ईशान को चलना होगा, जो कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही है। रोहित शर्मा की बड़ी पारी नहीं आ रही है, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उनके बाद जो छोटी छोटी नोक्स है वो तंग करती है। कहीं ना कहीं अगर इस टीम को अगर अच्छा करना है तो यूनिटी के साथ परफॉर्म करना होगा, और खासकर ईशान किशन को रन बनाने होंगे। सूर्य कुमार यादव 2 हाफ सेंचुरी बड़ी अच्छी लगाई थी लेकिन फिर अपना विकेट गवा देते हैं, और हार्दिक पांड्या कब रन बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल तो हार्दिक पांड्या के फॉर्म को लेकर है। अब साथ ही साथ मुंबई को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको यह मैच जीतना है तो सामने टीम है वो बहुत बड़ी खतरनाक है, बड़ी खूंखार है, जहाँ पे सुनील नारायण होंगे, फिल शॉर्ट होंगे, या 2 ऐसे बैट्समैन है जो कोलकाता के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यह टीम बड़ा अच्छा करती है तो इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। अगर हम केकेआर के पॉसिबल प्लेइंग 11 पे नजर डाले तो फिल शॉर्ट जो कि विकेट कीपर है इस टीम के, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, शेरस अय्यर जो इस टीम के कप्तान है, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टॉक, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और चेतन साकारिया। अब आप कहेंगे कि पॉसिबल प्लेइंग 11 में उसमें हर्षित राणा का नाम नहीं है, आपने देखा होगा क्योंकि उनपे 1 मैच का बैन लगा है इसलिए वो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जो इनकी बॉलिंग है वो भी कंसर्न है। कहीं ना कहीं जो मिचेल स्टॉक है उनको अच्छा करना पड़ेगा। अब करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, इनपे पैसे लगाए गए हैं, लेकिन उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। पता नहीं क्यों मिचेल स्टॉक थोड़ा वाइड लेंथ करते हैं, बैट्समैन से थोड़े दूर गेंद करते हैं और उसमें बड़ी पिटाई भी होती है उनकी, क्योंकि जो 2 फील्डर है वो सर्कल के अंदर रखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मिचेल स्टॉक थोड़ा सा गेंद आगे करे, फुल लेंथ पर करे, बिल्कुल जड़ में फेंके बैट्समैन के ब्लॉक होल में, जहां पर मौका रहेगा बल्लेबाज को आउट होने का, यह कारगर साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद और जो लेंथ गेंद है यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे हमने देखा है कि कभी कभार डंडे पर गेंद मारते हैं, कभी पैर पे गेंद मारते हैं, वैसे इस मैदान पर अच्छा कर सकते हैं। देखा जाए तो केकेआर की टीम में वैभव अरोरा बड़े अच्छे गेंदबाज है, इन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इकोनॉमी थोड़ा बहुत ज्यादा चला जाता है, 10 से ऊपर की चली जाती है, तकरीबन 12 के इकोनॉमी मिचेल स्टॉक का भी है। तो मिचेल स्टॉक को थोड़ा इकोनॉमी पर काम करना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन बैटिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस मैच में भी
मुझे लगता है कि जो सुनील नारायण है और फिल शॉट जैसे स्टार्ट देते हैं और सुनील नारायण को देखे तो बैटिंग से भी अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग में भी उनको 6 मैचों में 11 विकेट्स हो गए हैं। इस वक्त पर्पल कैप की रेस में सुनील नारायण भी पीछे पीछे आ गए हैं क्योंकि उनको भी 11 विकेट्स हो गए हैं। बैटिंग में बड़ी अच्छी करते हैं, बड़े हिट्स लगाते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। अब बात अगर मुंबई की पिच रिपोर्ट की करें तो यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है क्योंकि यह पिच बिल्कुल फ्लैट यानी कि सपाट सरफेस है, तो ऐसे में गेंद बल्ले पे अच्छे से आते हैं। मैदान की बाउंड्री काफी छोटी होने की वजह से यहाँ बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि यहाँ स्पिन गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। इस पिच की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने 70 विकेट्स निकाले हैं, तो वही स्पिन गेंदबाजों ने भी 30 विकेट्स निकाले हैं। टॉस जीतकर जो भी कैप्टन हो शायद वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। तो आपने देखा कि पिच रिपोर्ट में 170 रनों का एवरेज स्कोर है, तो इसका मतलब आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा और जो भी कैप्टन टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी क्योंकि रन चेज इस मैदान पे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और जिस तरीके की बैटिंग मुंबई के पास और नीचे से टीम डेविड और तिलक वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की है, मुझे लगता है कि अगर मुंबई टॉस जीतेगी तो उनको बाद में बैटिंग करना चाहिए। बात अगर दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की करें तो मुंबई इंडियन की टीम आगे है या फिर केकेआर की टीम आगे है वो भी देख लेते हैं। मुंबई और कोलकाता के बीच अब तक आईपीएल में कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें मुंबई ने 23 मुकाबले जीते हैं और कोलकाता ने 9 मैच जीते हैं। तो दोस्तों आपने हेड टू हेड में देखा कि मुंबई की टीम थोड़ी आगे है। वैसे इस टीम जाना जाता है स्लो स्टार्ट के लिए, लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट खेला है हमें उम्मीद थी कि यह टीम कहीं ना कहीं कमबैक करेगी, लेकिन वह कमबैक नहीं कर पाई, वह कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। 1 मैच जीता फिर 2 हार गए फिर 1 जीता फिर 3 हार गए। आईपीएल 2024 में यह टीम उस तरीके के रन नहीं बना पाई है, यूनिटी के साथ टीम परफॉर्म नहीं कर पाई है और यही कारण है कि यह टीम 9वें नंबर पे है। लेकिन जो टीम ने अच्छा क्रिकेट खेले है भाई वो केकेआर की टीम है, उनके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो पावर हीटर भी है और मैच फिनिशर भी है, कहीं ना कहीं इस टीम के पास मैच विनर भी है जो सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं। अब वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है और विकेट्स भी लिए है क्योंकि 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में, और साथ ही साथ इस टीम ने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला था दिल्ली कैपिटल के खिलाफ क्योंकि वहां पर भी इन्होंने जो बाद में रन चेज किया बड़ी आसानी के साथ किया था। तो इस टीम के पास मुझे लगता है कि टॉप 4 में जाएगी ही जाएगी और हो सकता है कि नंबर 1 या नंबर 2 पर फिनिश करे। आप भी वैसे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है, केकेआर की टीम क्या मुंबई को हरा पाएगी या फिर मुंबई को मुंबई में हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी केकेआर जैसे खेल खेला है वैसे तो मुझे लगता है कि यह टीम आराम से हरा देगी मुंबई को क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है और उनके पास अच्छी खासी बैटिंग भी है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा जो मुंबई का वेदर क्या कहता है। कोलकाता और मुंबई के बीच होने वाले मैच के दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 से 33 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि फैंस को पूरे 40 ओवर की रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। हालांकि वहां पे थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन बारिश होगी तो उम्मीद है कि चौके और छक्कों की होगी क्योंकि यहां पर एक तरफ सूर्य कुमार यादव होंगे तो दूसरी तरफ आंद्रे रसेल होंगे। अब आप बताइए क्या रसेल का बल्ला चलेगा फिर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा। और वैसे भी सूर्य कुमार यादव को हम मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं और देखने वाली बात होगी कि T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी आ गया है और मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इन चारों अगर चलेंगे तो मुंबई इंडियंस तो खुश होगी ही होगी। साथ ही जो हम जैसे फैंस है वो भी उम्मीद करेंगे कि रोहित बड़ी पारी खेले और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव भी एक अच्छी पारी खेले। तो ऐसे में दोस्तों अगर दोनों टीमों की आप कंपेयर करेंगे तो नो डाउट केकेआर की टीम ने बड़ा अच्छा खेल खेला है, वह आगे है, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास अच्छे पावरफुल हीटर है। तो आपको अब क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी, क्या केकेआर जीतेगी या फिर मुंबई इंडियंस जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।